Hello viewers, welcome back to TTK Bio World, Education, Entertainment, Vlogs and much more. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. तो आज का वीडियो है कुछ फॉरवर्डेड मैसेजेस के बारे में. डेली वील गेट सम फॉरवर्डेड मैसेजेस इन व्हाट्सएप, इन फेसबुक एंड ऑल आर सोशल मीडिया साइट्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी विल इग्नोर द सोशल मैसेजेस. यस, वी विल इग्नोर द फॉरवर्डेड मैसेजेस एक्चुअली टू से, बिकॉज दे विल बी सो लेंदी एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एंड हम लोग के पास तो उतना टाइम रहता नहीं है. लेकिन हम भी तो बहुत ज्यादा मैसेजेस को इग्नोर करते रहते हैं. बट टूडे आई गॉट अ फॉरवर्डेड मैसेज इन वन ऑफ माई फैमिली ग्रुप, and I thought it's really really very informative message. In that message I got some forwarded pics about some ingredients which we see daily but we don't know their importance. Aisa kaha jaye to hamara kitchen ka aur hamara fridge ka bahut sara items hai, इसमें बहुत सारा मेडिसिनल वैल्यूज रहता है, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और जानते भी नहीं है. और कभी कोई फॉरवर्ड कर देता है तो उसको इग्नोर भी कर देते हैं. तो चलिए वीडियो शुरू करके देखते हैं कि क्या क्या मैसेज हमको मिला है. लेट मी ओपन अप माय व्हाट्सएप एंड आई थिंक हमको इस तरह से एक मैसेज मिला है डू यू नो करके. तो डू यू नो करके जैसे हम क्लिक किए हैं, कुछ पिक्स हमारे पास आया है मोबाइल में. हम कोशिश करेंगे दिखाने के लिए आप लोगों को. और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, लेट मी रीड वंस एंड ट्रस्ट मी इट्स रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू से. डिड यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्निफ दिस हर्ब. और यहाँ पे हर्ब दिया हुआ है रोजमेरी. अ स्टडी फाउंड दैट स्निफिंग रोजमेरी कैन इंक्रीज मेमोरी बाय 75%. और जैसे कि हम लोगों का धनिया पत्ता है कोरिएंडर, द सेम वे रोजमेरी इज ऑल्सो ए हर्ब एंड एवरीवन नो दैट इट्स यूज्ड वर्ल्ड वाइड. एक्चुअली हम लोग का इंडिया में ये बहुत कम मिलता है. तो अगर ये हर्ब को हम लोग ज्यादा स्निफ करेंगे तो ये हमारा ब्रेन का सेल्स को एक्टिवेट करेगा और इट विल इंक्रीज द मेमोरी बाय 75%. दैट मींस रोजमेरी जो एक कॉमन हर्ब है, इसमें बहुत सारा मेडिसिनल वैल्यूज है. एंड नेक्स्ट फोटो, डिड यू नो इट्स अबाउट पिस्टैचोज एंड ईटिंग पिस्टैचोज बिफोर बेड विल हेल्प स्लीप एज दे आर वन ऑफ द मोस्ट मेलाटोनिन रिच फूड्स. मेलाटोनिन बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है, एक केमिकल सब्सटेंस जो हमारा बॉडी में रिलीज होगा और यह हमारा फूड जो हम लोग इनटेक करते हैं, विच विल मेक अस फील रिलैक्स, विच विल मेक अस टू गो टू स्लीप और विच विल मेक ए परफेक्ट बेड टाइम. डिड यू नो वेन यू बर्न बे लीव्स एट होम इट हेल्प्स टू रिलीव एंग्जाइटी, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, बूस्ट इम्यून सिस्टम, इंक्रीज अल्टरनेस, ओपन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इंक्रीज माइंडफुलनेस. एंड एक्चुअली टू से बे लीव्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज इंडियन स्पाइसेस. हम लोग बे लीव यानी जिसको बिरयानी का पत्ता या तेज पत्ता बोल के हम लोग बुलाते हैं, तो उसको हम लोग जनरली हर सब्जी पकाने से पहले ऑयल में डालते ही है. तो इसको अगर हम लोग घर में बर्न करेंगे, इसका महक से द स्मेल विल मेक यू फील वेरी रिलैक्स. इट विल काम डाउन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट विल ऑल्सो काम डाउन योर एंग्जाइटी एंड इट विल रिलीव द इन्फ्लेमेशन. सो कभी कभी तेज पत्ता को घर में ऐसा जलाकर भी देखा कीजिए. एंड डिड यू नो व्हेन यू ईट जस्ट 3 कैरेट्स, यानी अभी कैरेट का बात हो रहा है, अभी विंटर है तो कैरेट और गाजर तो बहुत सारा अवेलेबिलिटी में है मार्केट में और हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसको हलवा बना के खाने में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. तो इसके पीछे और कुछ बातें भी है. 3 कैरेट्स गिव यू एनफ एनर्जी टू वॉक 3 माइल्स, यानी 1 कैरेट इज इक्वल टू 1 माइल एंड दे वर फर्स्ट ग्रोन एज अ मेडिसिन नॉट फूड. एंड ये बात जो है हमको सबसे शॉकिंग लगा, क्योंकि तेजपत्ता के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं और रोजमेरी हमको लगता ही था कि कुछ शायद उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, लेकिन कैरेट को पहले सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन की तरह उगाता था. दैट मीन्स दे यूज टू ग्रो कैरेट ओनली एज ए मेडिसिन, बट नाउ वी आर यूजिंग इट एज अ वेजिटेबल एंड मोस्ट फेमस स्वीट डिश जो बनता है वो कैरेट से ही बनता है. तो कैरेट्स यूज कीजिए और रॉ फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कीजिए. एंड नेक्स्ट, डिड यू नो पाइनएप्पल जूस इज 5 टाइम्स मोर इफेक्टिव दैन कॉफ सिरप, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स कोल्ड एंड द फ्लू. एक्चुअली वेल कमिंग टू पाइनएप्पल, व्हेनेवर वी गेट्स अफेक्टेड विद कॉमन कोल्ड, influenza virus or flu, people say that avoid pineapple. Why? Because it will cause throat infections to you. Generally हम लोग जब भी सर्दी बुखार कुछ भी होता है तो fruits को तो avoid करते ही है और साथ में pineapple को तो असल छूते तक नहीं है, क्योंकि बोला जाता है कि अगर उसको properly बिना wash किए हुए खा लेंगे तो throat infection आएगा. लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है
कि ये कॉफ सिरप से 5 टाइम्स मोर इफेक्टिव है. दैट मीन्स आई थिंक ये मिथ को ब्रेक करने वाले स्टेटमेंट है कि पाइनएप्पल को कंज्यूम करने से वो कॉफ सिरप जैसा काम करेगा एंड इट विल रिलीव योर कोल्ड कॉफ एंड फ्लू इन्फेक्शन. सो ट्राई पाइनएप्पल जूस श्योरली. कम से कम पाइनएप्पल अवेलेबिलिटी में रहेगा तब तो उसको कंज्यूम कर लीजिए और वॉश प्रॉपरली कीजिए सॉल्ट डाल के, ताकि आप लोगों को कोई थ्रोट इन्फेक्शन ना लगे और फ्लू से आप लोग बच के रहे. नेक्स्ट, डिड यू नो वेयरिंग हेडफोन्स फॉर जस्ट एन आवर विल इंक्रीज द बैक्टीरिया इन योर ईयर बाय 700 टाइम्स. तो हम लोगों को पता ही नहीं है कि हेडफोन्स पहनने से आजकल बोलता है कि लोग कि आप लोगों का नर्व्स डिस्ट्रॉय होगा, आप लोगों का ब्रेन में प्रॉब्लम्स होगा, इश्यूज होगा और डेफ हो जाएंगे जल्दी जल्दी. लेकिन यहाँ पे कुछ और बात ही लिखा हुआ है कि अगर हम लोग 1 घंटा 1 आवर इफ यू वेयर हेडफोन्स देन द बैक्टीरिया इन अवर ईयर विल इंक्रीज 700 टाइम्स. यानी ये तो हेडफोन्स नहीं है, बैक्टीरिया मैन्युफैक्चरिंग मशीन है. सो प्लीज एंड प्लीज अवॉइड हेडफोन्स टू एवरीवन. नेक्स्ट, डिड यू नो यू आर कॉफिंग अनकंट्रोलेबली रेज योर हैंड्स अबव एंड हेड एंड इट विल स्टॉप. मतलब हाथ ऊपर कीजिए, हेड ऊपर कीजिए और कॉफ से रिलीफ आएगा. मतलब ज्यादा अगर खांसी हो रहा होगा या सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ कॉफ देन ट्राई दिस स्टेप, स्मॉल स्टेप, वेर एवर यू आर सिटिंग और वेर एवर यू आर बीइंग. जस्ट रेज योर हैंड्स अबव एंड योर हेड, रेज योर हैंड्स अबव योर हेड, रेज योर हेड एंड वेट फॉर सम टाइम एंड स्टॉप फॉर सम टाइम एंड दे आर सेइंग दैट इट विल रिलीव योर कॉफ एंड दिस टाइम आई श्योरली ट्राई वेन एवर आई गेट द कॉफ. एंड आप लोग भी ट्राई कीजिए और बताइए अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो. क्योंकि ऐसा है कि ह्यूमन लाइफ में कभी कभी हर चीज शेयर करते हुए एक दूसरों से जानकारी करना चाहिए. हमको जो मैसेज आया है उससे हम कुछ चीज आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहे हैं. तो आप लोगों को भी अगर कुछ पता है तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम तक जरूर पहुंचाइए. और डिड यू नो ईटिंग 12 to 10 ऑलमंड्स द इक्विवेलेंट, इट इज इक्विवेलेंट टू 2 aspirin फॉर ए माइग्रेन हेडेक. माइग्रेन हेडेक तो बहुत भयानक होता है और हमारा फैमिली में भी किसी किसी को है माइग्रेन का हेडेक. जैसे ही माइग्रेन का हेडेक आएगा दे विल ऑफ द लाइट्स, दे विल से दैट डोंट मेक नॉइज, दे विल शट देमसेल्स इनटू अ ब्लैंकेट एंड दे विल हैव अ स्लीप फॉर सम टाइम एंड आई डोंट थिंक दे वुड ऑल्सो रियली गेट अ सम स्लीप. लेकिन बहुत सारा वो लोग हेडेक से सफर करते रहते हैं तब कोई दवाई भी जनरली काम नहीं करता है. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि डेली कंज्यूम 10 to 12 almonds. Almonds आप लोग सबको पता है कि खाने से मेमोरी बढ़ता है, बहुत सारा यूजेस भी है. सो अगर किसी को माइग्रेन हेडेक्स है प्लीज डू ट्राई दिस. वाई? बिकॉज दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 aspirins. Aspirins खाने से ज्यादा है कि 10 to 12 हम लोग बादाम खा लें. उसके बाद यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है ड्रमस्टिक्स के बारे में. ड्रमस्टिक्स के बारे में बहुत ज्यादा मूवीज में बहुत ज्यादा कॉमेडी भी होते रहता है, लेकिन यहाँ ड्रमस्टिक्स के बारे में ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. ईट ड्रमस्टिक्स एज अ फूड एंड मेडिसिन. फ्रेश एंड डिलीशियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक ड्रमस्टिक्स. डू यू नो ड्रमस्टिक कंटेन 4 times मोर वाइटामिन ए देन कैरेट. यानी सबको ही बोलते हैं कि आंख का कमजोरी होगा तो कैरेट खा लीजिए, लेकिन यहाँ पे 4 times कैरेट से ज्यादा ड्रमस्टिक्स में विटामिन ए है. 4 times मोर कैल्शियम देन मिल्क, 7 times मोर विटामिन सी देन ऑरेंजेस, 2 times मोर प्रोटीन देन योगर्ट एंड 0% कोलेस्ट्रॉल. बेनिफिट्स ऑफ ड्रमस्टिक्स, इट बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स, प्यूरिफाइज ब्लड, हेल्प इन डाइजेशन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, गुड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, इजेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इट लोअर्स ब्लड शुगर्स. दैट मीन्स ड्रमस्टिक्स विच आर वेरी वेरी टेस्टी, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी हेल्दी टू. सो आई थिंक ईटिंग ड्रमस्टिक्स शुड बी मेड ए मैंडेटरी और ए कंपल्सरी थिंग इन योर क्विजिन. सो आज के बाद कभी ड्रमस्टिक्स आप लोगों को मिलेगा तो डू ईट देम. कैसे भी किसी भी तरह से कंज्यूम कर लीजिए, क्योंकि इतना सारा बेनिफिट जो आप लोगों को दिख रहा है तो क्यों हम ड्रमस्टिक बिना खाते हुए रहे, और वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी है. हमको तो ड्रमस्टिक सांभर में डालेंगे तो इतना पसंद है, उसका खुशबू से हमको लगता है कि सारा बीमारी दूर हो जाएगा. ये मेरा फीलिंग है. एंड गाइस डू कंज्यूम ड्रमस्टिक्स. वाई? बिकॉज इट्स शोइंग लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स. एंड लास्ट एंड द फाइनल थिंग, नॉट टू बोर यू मच, इफ यू केयर फॉर योर अपेंडिक्स यूज लेमन जूस फ्रीक्वेंटली. लेमन जूस के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं और बहुत सारा चीज सुनते रहते हैं. इट विल रिड्यूस फैट, इट कंटेन्स लॉट ऑफ वाइटामिन सी, इट हैज एंटी ऑक्सीडेंट्स, इट हैज मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपेंडिक्स जो हमारा बॉडी का एक वेस्ट ऑर्गन माना जाता है, यूज लेमन जूस फ्रीक्वेंटली. एक्चुअली डोंट नो व्हाट हैपेंड,
what is happening in our body with respect to the appendix. Most of the people say that appendix is a useless organ of our body. लेकिन जैसे appendix फूलने लगेगा उसको कुछ damage होगा, then appendicitis का operation होगा और बहुत सारा नुकसान भी होगा body को. तो I think ऐसा ही हमको नहीं लगता है कि हमारा body का कोई भी part ऐसा waste बना हुआ होगा. So I think appendix also has few functions which has to be known yet by the doctors. So अगर appendix आप लोगों का healthy रहना चाहिए तो lemon juice जरूर consume कर लीजिए. I think ये जितना भी photos हमको आया है कुछ बहुत ज्यादा interesting facts हमको पता चला. जैसा कि drumsticks में vitamin A बहुत ज्यादा मात्रा में है जो कि carrot से ज्यादा है, और vitamin C ज्यादा है नींबू से ज्यादा है, और milk से ज्यादा calcium है जो कि हर कोई calcium के लिए बोलते हैं कि ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क, ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क. अगर मेरे जैसा कोई है जो मिल्क को बहुत हेट करते हैं तो उन लोगों के लिए आई थिंक अभी से सजेस्ट करना होगा ड्रिंक ए ग्लास ऑफ ड्रमस्टिक जूस और ड्रमस्टिक सांबार जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी रहेगा. अच्छा ठीक है, आप लोगों को ज्यादा हम बोर नहीं करना चाहते हैं. अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा तो डू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद एवरीवन. एंड आई विल ऑलवेज से नॉलेज विल नेवर गेट्स डिप्लीटेड बाय शेयरिंग, इट विल गेट डबल्ड एंड ट्रिपल्ड बाय शेयरिंग. यानी जितना शेयर करेंगे उतना ही हमारा नॉलेज बढ़ते जाएगा. तो हमको लगता है कि ये सारा चीज जो हम मैसेज में पढ़े हैं आप लोगों को शेयर करके याद कर लिए, तो आपसे हम कुछ कुछ फॉलो करने का कोशिश जरूर करेंगे और हमारा फैमिली में भी डाइट में इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश करेंगे. आज बेलीफ भी जला के देखेंगे कि मेरी स्ट्रेस दूर हुआ है कि नहीं. वाई बिकॉज अभी अभी थोड़ा सा मौसम बदलने की वजह से, थोड़ा ठंड की वजह से हमको लग रहा है कि थोड़ा सा सर्दी होने ही वाला है. तो ये इसमें से कुछ ना कुछ हम ट्राई करके देखेंगे कि कुछ सेट होगा कि नहीं होगा, या मेरी प्रॉब्लम फिक्स करेगा कि नहीं. अगर होगा तो जरूर आप तक लेके आएंगे. और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन प्रेस द बेल आइकॉन. और आप लोगों का पता है कि डीडी के बायोवल क्या हो गया है, एजुकेशन एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स एंड मच मोर. सो अगर आप लोगों को ऐसा ही कुछ वीडियोस चाहिए तो प्लीज एनकरेज करने के लिए कुछ और सजेशंस भी कमेंट्स बॉक्स में डू मेंशन कीजिएगा. बाय गाइस, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ब्लॉग के साथ मिलेंगे.